इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन शुरू करवाऊंगा, जिसमें टू डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट, थ्री डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट सम्स करवाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसे देखे बगैर अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ये वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करवाने से पहले मैं आपको एक रूल के बारे में बता दूं। अबेकस के अंदर सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट करने का कोई तरीका नहीं है। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट बच्चे को आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेबल्स 9 तक के टेबल्स बच्चे को आने चाहिए। अगर बच्चों को 9 तक के टेबल्स लर्न नहीं है, मेक श्योर उनको पहले वो 9 के टेबल्स लर्न हो, तभी वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको वही करके दिखा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्यों 9 तक के टेबल्स बच्चों को आने चाहिए। देखिए, एक सम लिख देता हूं मैं यहाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने का इस पे कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 2 भी एक सिंगल डिजिट है और 3 भी एक सिंगल डिजिट है। तो हमें बच्चों में ये चेक करना है कि उन्हें 2 से 9 तक के टेबल आते हैं कि नहीं। जैसे कि 2 3 6, ये मैं डायरेक्ट इस पे लिखूंगा। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि 2 3 का कोई प्रोसेस फॉलो करके मैं इस पे आंसर ले आऊं। तो इसीलिए सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट बच्चों को आना चाहिए, दैट इज 9 तक का टेबल बच्चों को आना चाहिए। देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं हम। मैं एक और सम लिख देता हूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो दोस्तों, सबसे पहले करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अबेकस में एक रूल है मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए कि आपको 9 तक के टेबल्स आने चाहिए। वैसे ही एक रूल और है, जब भी हम किसी डिजिट को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सिंगल डिजिट में नहीं आना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उस सिंगल डिजिट के आगे हम 0 प्रीफिक्स कर देंगे, जैसे कि 2 3 6 होता है पर हम 06 मानेंगे। अब 8 4 तो 32 होता है, तो 32 एक डबल डिजिट नंबर है, तो इट्स ओके इन द केस ऑफ 32। तो शुरू करते हैं 2 3 6। दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ सेंटर्स और अकेडमीज ये भी सिखाते हैं कि अबेकस में, अबेकस के ऊपर इन नंबर्स को प्लेस करना, कि किसी रॉड पर 2 बनवा देते हैं और किसी रॉड पर 3 बनवा देते हैं, जो कि एक गलत प्रोसेस है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के डिजिट्स को भी रॉड्स पर प्लेस करवाएंगे, जैसे कि मैं 2 यहाँ पर प्लेस करवा दूंगा और 3 यहाँ पर प्लेस करवा दूंगा, और फिर यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट करवाने के बाद मैं कहीं दूसरी रॉड पर आंसर निकलवाऊंगा, तो वो सरासर गलत प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, अबेकस टूल पे तो आंसर आ जाएगा, पर बच्चे मेंटल मैथ्स करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि बच्चे पहले इन डिजिट की प्लेसमेंट इस अबेकस पे करें और फिर आंसर भी लेकर के आए। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है और ना आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है। हमें करना क्या है, जो भी कॉपी में या फिर मेंटली ओरली जब आप कोई सम देंगे तो बच्चों को सीधा आंसर मल्टीप्लिकेशन के केस में सीधा आंसर रॉड पर ड्रॉ करना है। तो शुरू करते हैं 2 3 6। दोस्तों, सबसे पहले तो 2 एक सिंगल डिजिट है और 3 भी एक सिंगल डिजिट है, ये दोनों को ऐड करें तो ये 2 डिजिट्स बन जाएंगी। हमें करना क्या है, सेंटर रोड पर जाना है और वहां से 1 2 आगे आएंगे, लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और दूसरी रॉड पर चले जाएंगे और यहां से हम अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 और 3 जो है को मिलाएंगे तो 2 डिजिट्स बन जाएंगे, 1 और 1 2। अगर मान लीजिए ये 12 मल्टीप्लाई बाय 3 होता तो 12 में 2 डिजिट्स हो जाती और 3 में तो 1 है, तो 2 और 1 डिजिट 3 बनती। तो हम क्या करते, 1 2 3 सेंटर रॉड से थर्ड रॉड पर आकर के वहां से आंसर लिखना शुरू करते। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं 2 into 3, सेंटर रॉड पर जाएंगे, 1 और 2 डिजिट्स हैं ये ओवरऑल टोटल दोनों में,
तो आएंगे सेकेंड रॉड पर और यहां से हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों ये सिर्फ प्लेसमेंट बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और बच्चों ने मिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट्स तक के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन ओरली मेंटली करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए 2 × 3 होता है तो 6 आंसर आता है, ये बच्चे को पता होगा क्योंकि मैंने बताया रूल के हिसाब से कि सिंगल इंटू सिंगल बच्चों को आना चाहिए। तो 2 × 3 = 6 होता है, तो हम यहां पर 6 क्योंकि एक सिंगल डिजिट नंबर है और हम अबेकस में सिंगल डिजिट नहीं लिखते क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 0 लगाना पड़ता है, तो हम यहीं से आंसर लिखना शुरू करेंगे और यहां पर 0 बनाएंगे और यहां 6 बना देंगे, तो आंसर आ गया 6। इस चीज को समझने की जरूरत है, अगर इसी स्टेज पर आप ये चीज समझ जाएंगे और बच्चे भी इसी स्टेज पर समझ जाएंगे तो फिर आगे आने वाली मल्टीप्लीकेशन उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखिए आपने 2 × 3 = 6 होता है, 6 आंसर आ गया। एग्जैक्टली ये 0 6 है, पर 0 अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 0 6 अल्टीमेटली 6 ही होता है। क्लियर कर देता हूं मैं, आंसर भी लिख देते हैं इसका 6। अब दोस्तों आ जाते हैं 8 4 पे। दोस्तों 8 4 = 32। अब आप कहेंगे जी आंसर तो हमें ऑलरेडी पता ही है और हम तो डायरेक्टली इस पे लिख रहे हैं। जी हाँ, सिंगल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट जब भी हम अबेकस पे करेंगे तो हमें आना चाहिए सिंगल इंटू सिंगल डिजिट, तभी मैंने कहा 2 से 9 तक का टेबल बच्चों को आना चाहिए। ये एक लिमिटेशन है और इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। जब 2 digit × 1 digit या 3 digit × 1 digit या 2 × 2 digit, 3 × 3 digits के सम्स होंगे तो हमारे पास तरीका है, इस पर सॉल्व किया जा सकता है, बट सिंगल इंटू सिंगल डिजिट के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, दैट इज टेबल आने चाहिए। 8 × 4 दोस्तों 1 1, टोटल 2 digits है, सेंटर रॉड पर जाएंगे और 2 digit के हिसाब से सेकेंड रॉड पर जाएंगे 1 2, तो आंसर यहां से शुरू करेंगे। 8 4 = 32 होता है, तो यहीं से शुरू करेंगे, यहां पर बनाएंगे 3 और यहां पर बना देंगे 2, तो 8 4 = 32 लिख दिया मैंने, तो आंसर आ गया 32। दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, आप ये सोच रहेंगे कि ये क्या बात हुई, आंसर तो हमें पहले से ही पता है, तो इसमें कौन सी नई बात है, इस पे तो सिर्फ प्लेसमेंट ही तो सीखी है। जी हाँ, एक्चुअली में बात यही है, सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ प्लेसमेंट सीखनी है और सिंगल डिजिट इन सिंगल डिजिट आपको पता होना चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा सिंगल इंटू सिंगल डिजिट का। अब मैं 2 digit को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ, तो इसके थ्रू जो है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस 2 × 3 को मैं चेंज कर देता हूँ 32 × 3 में, ठीक है, माफी चाहता हूं बुरी हैंडराइटिंग के लिए। तो दोस्तों क्लियर कर देते हैं, 32 × 3। दोस्तों हमें करना क्या है, पहले 32 × 3 के अंदर जो आउटर डिजिट है 3, बाहर वाले डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इससे आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम उससे भी आंसर निकाल लेंगे। तो हमें करना क्या है, 32 × 3 के लिए हमने 32 या 3 किसी भी रॉड पर प्लेस नहीं करना है, और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसको करवाना बंद कर दीजिए क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन बच्चा कभी मेंटली कर नहीं पाएगा। तो 32 × 3 हमें डायरेक्ट आंसर प्लेस करना है रॉड्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो 32 एक 2 digit नंबर है, 3 एक सिंगल डिजिट है, टोटल ये 3 digits हैं, तो हम सेंटर रॉड पर जाएंगे, सेंटर रॉड से थर्ड रॉड पर आएंगे क्योंकि ये टोटल 3 digits हैं, 1 2 3, तो आ गए हम 100 रॉड पर। तो शुरू करते हैं, 3 3 = 9। तो दोस्तों यहां पर हम क्या बनाएंगे, 0 9, 9 नहीं बना सकते हम क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी 2 digits का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर अगर सिंगल डिजिट में आता है हमें तो सिंगल में नहीं लिखना, 0 प्रीफिक्स करके लिखना है। तो 3 3 = 0, यहां पर 0 और यहां 9, 9 आ गया। तो दोस्तों 9 आ जाने के बाद यहां पर आपने अपनी फिंगर को रखे रखना है क्योंकि जहां पर हमने अपना आंसर प्लेस किया है अभी तक का, वहीं से ही हम आगे भी प्लेसमेंट
जारी रखेंगे। तो यहाँ पर 09 हमने बनाया, तो 9 पर हमारी फिंगर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 2 × 3। तो दोस्तों 2 × 3 अगेन सिंगल डिजिट आ गया, सिंगल डिजिट हम नहीं ड्रॉ कर सकते, 06 करना पड़ेगा। तो जहां पर हमने छोड़ा है तभी मैंने यहां पर फिंगर रखवाई हुई है आपकी, 0 आगे चलेंगे 6। तो दोस्तों आंसर आ गया 9696। लिख देते हैं आंसर, रिमूव कर देते हैं। अब 3 × 32 करके देख लेते हैं। इसमें भी दोस्तों 3 और 32 टोटल 3 डिजिट्स ही बनेंगे क्योंकि सेम ही सम है, मैंने बस डिजिट शफल कर दिए हैं। टोटल 3 हैं तो सेंटर रॉड पर जाएंगे, तो 3 डिजिट्स के हिसाब से 1, 2, 3 थर्ड रॉड पर आ गए। शुरू करते हैं, 3 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं, 3 × 3 = 09, 09। यहाँ पर अपनी फिंगर रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर 3 × 2 = 06, 06। तो दोस्तों आंसर आ गया 96। लिख देते हैं आंसर। तो दोस्तों आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता मल्टीप्लिकेशन में, तो आप समझ जाइए क्यों नहीं आता। पहला तो क्योंकि आप एडिशन के थ्रू टेबल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो नहीं करवाते। दूसरा, आप 32 × 3 या फिर कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई कराते हैं तो उन डिजिट को भी पहले अबैकस पर ड्रॉ करवा देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी है। आपको इसी तरीके से करवाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट हो गया। अब मैं इसमें और वैरायटी ऑफ सम्स ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है। तो दोस्तों मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ प्लेसमेंट्स हैं टेक्निकली देखा जाए तो, अल्टीमेटली लगाने आपको कॉम्प्लीमेंट्स ही हैं हर जगह। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन भी जब होगा तो डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जब करना ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब साफ है कि बच्चों को सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स लर्न होने चाहिए। तो ले लेते हैं और सम्स। दोस्तों मैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट के 2 और सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट के ले लिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करता हूँ, क्लियर कर देते हैं। दोस्तों 98 × 6, अपने दोनों हाथ लेके जाऊँगा मैं, 9 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर 8 को 6 से। तो 2 + 1 टोटल ये 3 डिजिट्स हैं, सेंटर पे जाएंगे 1, 2, 3 थर्ड रॉड पर मैं आ गया। देखिए आ गई ना वही बात, जब भी सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 तक का जब टेबल हम करेंगे तो बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि इसका कोई सलूशन नहीं है अबेकस में, क्योंकि अबेकस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मेक श्योर बच्चों को 9 तक का टेबल आना चाहिए। तो 9 × 6 = 54, तो यहाँ पर 54 बनाना शुरू करेंगे, 5, 4। तो दोस्तों बन गया 54। अब 4 पर मैंने छोड़ा है तो यहाँ पर मुझे फिंगर होल्ड करके रखनी है। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 = 48। तो दोस्तों जहाँ पर मेरी फिंगर है वहीं से ही मैं वहाँ पर मैं 4 ऐड करूँगा और आगे 8 ऐड करूँगा। तो यहाँ पर 4 कैसे ऐड कर सकता हूँ, बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट आपको आते ही है। यहाँ पर 4 ऐड करेंगे और यहाँ पर 8। कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ईमानदारी से मेरे सारे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्स आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिए हैं। तो दोस्तों आंसर आ गया 588। लिख देते हैं आंसर, क्लियर कर देते हैं। 7 × 9 = 63, 63 बन गया 63। फिंगर होल्ड करके रखूँगा। अब 3 × 9 = 27, 2 यहाँ ऐड करूँगा और 7 इस रॉड पर। तो आंसर आ गया 657। लिख देते हैं आंसर, क्लियर कर देते हैं। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, 4 × 63। पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से। तो आ जाते हैं थर्ड रॉड पर क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3। 4 × 6 = 24, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 4। फिंगर होल्ड करके रखूंगा, फिर 4 × 3 = 12।
यहाँ वन और यहाँ टू बनाऊंगा, यहाँ वन बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा और यहाँ टू डायरेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों आंसर आ गया 252। लिख देते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट सम। 5 × 84 आ जाते हैं थर्ड रोड पे, 5 × 8 = 40, 4 × 0 = 40, अगेन 5 × 4 = 20, 2 × 0। दोस्तों आंसर आ गया 4 × 2 = 0। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह हमने टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट्स के सम्स सॉल्व करे। अब मैं थ्री डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय वन डिजिट के कुछ सम्स ले लेता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको टू डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट्स या टू डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय थ्री डिजिट्स जैसे सम्स नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में मल्टीप्लीकेशन को हम बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखेंगे। तो ले लेते हैं थ्री डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट्स के कुछ सम्स। तो दोस्तों यही सम्स रहने देते हैं, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सेंटर रोड पर अपनी फिंगर ले जाएंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। फोर्थ रोड पर आ गए, शुरू करते हैं 1 by 1 सारी डिजिट को जो है इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से। 8 6 = 48, 4 8 = 48, यहाँ पर फिंगर रखेंगे। फिर 9 6 = 54, दोस्तों यहाँ पर हमें 5 ऐड करना है इस रोड पर और यहाँ 4, तो यहाँ पर 5 9 6 = 54, तो यहाँ पर 5 ऐड करने के लिए -5 + 10 कर देंगे और यहाँ पर 4 ऐड करना है। ठीक है, पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं फिंगर होल्ड करके रखूँगा, चलते हैं अगले स्टेप पे। 8 6 = 48, यहाँ 4 ऐड करेंगे और यहाँ 8। तो दोस्तों आंसर आ गया 5 3 8 8। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, क्लियर कर देते हैं। 973 × 9, तो दोस्तों तो फिर से 4 डिजिट्स बनेंगी, शुरू करते हैं। 9 9 = 81, 8 1 81, फिंगर होल्ड रखेंगे करेंगे। 7 9 = 63, 6 3 होल्ड करेंगे फिंगर। 3 9 = 27, 2 7, तो दोस्तों आंसर आ गया 8 7 5 7, 8 7 5 7। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, क्लियर कर देते हैं। 4 × 635, फिर से ये टोटल 4 डिजिट्स बनती हैं, 1 2 3 4, फोर्थ रोड पर आ गया। 4 6 = 24, फिंगर होल्ड रखेंगे। 4 3 = 12, 1 यहाँ ऐड कर देंगे, 2 यहाँ पर फिंगर होल्ड रखेंगे। 4 5 = 20, यहाँ 2 ऐड करेंगे डायरेक्ट और यहाँ 0। तो दोस्तों आंसर आ गया 2 5 4 0। ले लेते हैं लास्ट सम, 5 × 846, 5 8 = 40, फोर्थ रोड से शुरू करेंगे। 4 0 = 40, फिंगर वहीं पुट करेंगे। 5 4 = 20, 2 0 = 20, फिर 5 6 = 30, 3 0। दोस्तों आंसर आ गया 4 2 3 0। दोस्तों देखा आपने किस तरह हमने 2 या 3 डिजिट्स को सिंगल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करवाया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन सम्स पर बेस्ड प्रैक्टिस शीट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू आपको दे देता हूँ, क्लिक कीजिए। मेरे ब्लॉग gopalsidhu.com पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करें। और दोस्तों अबेकस से कुछ अच्छी बुक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी हुई हैं, आप उन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उन बुक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बच्चों के साथ तो ज़रूर कीजिए। इससे मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बना पाता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए। और अगर आप ये एक्टिविटी अपने स्कूल में करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप वो इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं और अपने स्कूल में भी अबेकस क्लासेस शुरू करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टू डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट्स,
3 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन सम्स के साथ।